नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर इन दिनों चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। यहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस इस चोरी की वारदात का कब तक खुलासा कर पाती है। सर, यहाँ एक चोरी हुई एकता विहार कॉलोनी में, क्या संज्ञान में आया, किस तरह से जांच पड़ताल चल रही है? सर, इसमें चोरी हुई है घर में, इनकी सूचना मिली है थाने को, इसमें अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, कितने की लगभग चोरी बता रहे हैं? ये जो सूची देंगे उस हिसाब से बताया जाएगा, अभी मेरे पास सूची नहीं है। थैंक यू। मैं सर, आपका जी? मेरा नाम रईस आलम। क्या करते हैं? मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं एकता विहार नॉर्थ में रहता हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज के पास। थाना और खटघर थाना लगता है। मुझे 14 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। क्या घटना हुई आपके? मैं 2:30 बजे, हम 11 बजे करीब सोए, 11:30 बजे, और 2:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था। रमजान का महीना है शहरी के लिए। जब 2:30 बजे अलार्म बजा तो हम लोग उठे, तो हमने दरवाजे जब आए बाहर को तो दरवाजा बंद लॉक था हमारा। हमने उसे हिलाया तो नहीं खुला, फिर उसके बाद जोर से धक्का दिया तो वो जब भी नहीं खुला, तो दो आदमियों को हमने जीने की तरफ को भागते हुए देखा और वो छत की तरफ को चले गए। फिर हमने बहादुर को, जो यहाँ पे गार्ड है कॉलोनी का, हमने उसे फोन किया। उसने अपने संबंधित जो चौकी इंचार्ज हैं उनको फोन किया तो वो गाड़ी आई, बहादुर भी आ गए। फिर उसके बाद 100 नंबर की भी गाड़ी आई, उनको हमने सारी चीज का मुआयना कराया। उन्होंने आपको खोला? जी। अच्छा, फिर क्या क्या लूट कर यहाँ से? तकरीबन ज्वेलरी थी मेरी मिसिस की, तकरीबन 30 तोले करीब है जी, सोना, और जी सोना, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए करीब पैसे थे कैश रखे हुए, कैश जी, और वो सब हमारे चले गए। और बाकी सब चीजें आप देख ही रहे हैं कैसे है। पुलिस आई थी, उन्होंने कहा था सुबह को हमें तहरीर दे दीजिए, जो जो चीज गई है। तहरीर दी आपने भी नहीं? तहरीर आप देंगे 10 बजे सर। ठीक है।